हे गाइस, वेलकम बैक टू वार्डरोब स्टोरीज। सो आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि होम डेकोर हॉल के अलावा भी ऑल टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आए, तो मैंने आज एक नया कॉन्सेप्ट पे वीडियो ट्राई किया है। थ्रिफ्ट स्विप डीआईवाई इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि हम पुरानी चीज़ों को रिवाइव करते हैं, उनको एक न्यू लुक देते हैं एंड उनको रीयूज करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डीआईवाईज आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। मेरे पास ये एक लैम्प शेड रखा हुआ था, तो इसको मैं एक न्यू लुक देने वाली हूँ आज की वीडियो में। अगर आपके घर में भी इस तरह का लैम्प शेड है या एग्जिस्टिंग लैम्प है और आपको नया लुक देना है, तो आप इस तरह के वॉलपेपर्स के साथ उसको एक नया लुक दे सकते हैं। ये वॉलपेपर एशियन पेंट का है। सबसे पहले आपको इस तरह से मेजर कर लेना है कि लैम्प शेड की लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग आपको कितना वॉलपेपर लगेगा। अकॉर्डिंगली आपको इस पर मार्किंग करनी है एंड इसकी कटिंग करनी है अच्छे से। प्रॉपर तरीके से मार्किंग करने के बाद इसको हम अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे अपने लैम्प शेड के साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने वॉलपेपर को लैम्प शेड के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हमें इसे लैम्प शेड के ऊपर पेस्ट करना है। इस तरह से वॉलपेपर को पील ऑफ कर लीजिए एंड धीरे से लैम्प शेड के ऊपर पेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। वॉलपेपर को आराम से पेस्ट करते रहिए एंड उसको एडजस्ट भी करते रहिए साथ साथ। काफी इजी है इसको पेस्ट करना। पीछे से आप पील ऑफ करते जाइए, ये अपने आप जो है अच्छे से पेस्ट होने लगता है। लैम्प को आप रोटेट करते रहिए एंड ये अपने आप उसके ऊपर स्टिक होता रहेगा। आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अमेजोन पे ह्यूज वैरायटी ऑफ वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और कलर में या किसी और शेड में अपने घर को डेकोरेट करना है, तो इस तरह के वॉलपेपर बहुत सारे कलर्स एंड स्टाइल्स में अवेलेबल हैं। आप उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलपेपर अच्छे से लैम्प शेड के ऊपर पेस्ट हो चुका है एंड मैंने इसको एक नया लुक दिया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम वॉलपेपर यूज़ किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी सही रहा। सो इस लैम्प शेड को यूज़ करके मैं एक हैंगिंग लैम्प बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं अपने बेडरूम में यूज़ करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड यहाँ पे उसे क्रिएट करने के लिए मुझे इस तरह की एक वायर चाहिए और जिसमें एक किस तरह से बल्ब होल्डर लगा हुआ हो। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप इसे अपने लोकल मार्केट से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। सो गाइज, फाइनली मेरा यहाँ पे ये हैंगिंग लैम्प शेड तैयार हो गया है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। घर में जो पड़ी हुई पुरानी चीज़ें थी उन्हीं के साथ मैंने इसको एक नया लुक दिया है और इसे एक नई तरीके से मैं यूज़ करूँगी। मुझे अपने नेक्स्ट DIY के लिए कुछ कलर्स एंड पेंट ब्रशेस की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं। प्लस हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स तो रहती ही हैं, इन बॉटल्स को हम एक नया लुक दे सकते हैं इन कलर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले व्हाइट चॉक पेंट ऐड कर लिया है, इसमें मैं अब ऐड करूँगी ये कलर। फ्यू ड्रॉप्स इसमें काफ़ी हैं टू क्रिएट अ ग्रे मिंट शेड। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक बहुत अच्छा मिंट ग्रे शेड हम लोग को यहाँ पे मिल जाए। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेकिंग पाउडर ऐड करने से जब हम बॉटल को पेंट करेंगे तो एक बहुत अच्छा टेक्स्चर उसमें ऐड होगा। नाउ बॉटल को पेंट करने के लिए इस तरह का स्पॉन्ज ले लीजिए आप एंड इस तरह से पेंट को पूरे बॉटल के ऊपर कवर कर लीजिए। जब हम ब्रश से पेंट करते हैं तो ब्रश स्ट्रोक्स वहां पे दिखाई देते हैं, तो स्पॉन्ज से यूज करने का फायदा ये होता है कि ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है बॉटल के ऊपर। तो फर्स्ट लेयर के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। सेकेंड कोट होने के बाद इसके ऊपर बहुत अच्छा एक टेक्स्चर बन के आएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मेन वाइल हम अपना नेक्स्ट DIY कर लेते हैं। मेरे पास इस तरह से एक सूप बाउल था जिसका हैंडल टूट गया था, तो इसको मैं रीयूज करने वाली हूँ। इसको भी मैं पेंट करके इसको नया लुक दूंगी।
फर्स्ट कोट मैंने इसको सेम कलर का ही दिया है, अच्छे से कवर होने के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, तो फर्स्ट कोट के बाद इस तरह से लग रहा है ये। मीनवाइल हमारी बॉर्डर ड्राई हो गई है एंड फर्स्ट कोट के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। नाउ इट्स टाइम कि मैं इसे सेकेंड कोट भी करूँ, तो मैंने यहाँ पे इस बॉटल को सेकंड कोट के साथ भी कवर कर दिया है अच्छे से एंड ये कुछ इस तरह से लुक दे रहा है। ड्राई होने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। चलिए मैं इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। इस सूप बाउल को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेड दिया है, इसको डिफरेंट शेड देने के लिए ये दो कलर्स मैंने मिक्स करे हैं उसमें एंड फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। मेरे पास ये एक कॉफ़ी मग था जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैं इसे प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक न्यू लुक देने के लिए यहाँ पे वाइट चॉक पेंट के साथ कुछ कलर्स ऐड करे हैं एंड उनको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शेड निकाला है। तो फाइनली जो मुझे कलर चाहिए था वो फाइनली बन गया है। इसको थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अब स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इस पूरे कप के ऊपर ये कलर स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। तो फर्स्ट कोट मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसे ड्राई करने के लिए रख दिया है मैंने। सेकेंड कोट के बाद मैं इसके फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर बच गया था मेरे पास, तो मैंने ये कैंडल होल्डर को भी अच्छे से पेंट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक कैंडल मेकिंग भी शेयर करने वाली हूँ। दिवाली पे इस तरह के बचे हुए कैंडल्स के साथ आप एक नया कैंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा DIY शेयर किया है। यहाँ पे मैं ये कॉफी ऐड कर रही हूँ मेल्टेड वैक्स के ऊपर। जब पूरी वैक्स अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इस तरह से मैं कैंडल होल्डर में ही पूरी मेल्टेड वैक्स को डाल दूंगी। घर पे जब आप वैक्स बनाते हैं तो इस तरह से गैप आ जाता है, इस गैप को ठीक करने के लिए ड्रायर की हेल्प से मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद ये अपने आप ही शेप ले लेती है। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल रिवील। तो गाइज इस तरह से आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को एक नया लुक दे सकते हैं और उनको आप नई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडियाज़। ये सारे DIY करने के लिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है।